हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। मैं गोल्डी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए बैक का वर्कआउट लेकर आया हूं। जो बिगनर है, जिनको बैक के वर्कआउट में पता नहीं कैसे क्या करना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको नॉलेज दूंगा, जिसमें मैं आपको सबको बताऊंगा कि हमारा पोस्चर कैसे होना चाहिए, कितने रैप होने चाहिए और कितने सेट होने चाहिए। आज हम बैक का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको वार्म अप करना है। मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ वार्म अप जरूरी है। अब हम एक्सरसाइज करने स्टार्ट जा रहे हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी फ्रंट लेग पुल डाउन। ये हमारी फ्रंट लेग पुल डाउन है। हम इसके 12-12 के 4 सेट लेंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है, देखो होनी हमारी अंदर की तरफ होनी चाहिए। ये हमारी लेग्स पूरी स्ट्रेच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही आपको 12-12 के 3 सेट या 15-15 के 3 सेट लगाने हैं। जिनके पास जिम में ये मशीन नहीं होती, तो इसके लिए अल्टरनेट में हम बता देते हैं केबल पर, उसमें फ्रंट लेग पुल डाउन उसमें भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि वो जो हम पहले एक्सरसाइज करके आए हैं, ये एक्सरसाइज सेम है, बस ये अल्टरनेट है। जिसके पास अगर वो मशीन ना हो तो वह इसमें भी कर सकता है। ये देख लो, इस प्रकार करनी है फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। ये पोस्चर देख लो आप, चेस्ट अप होनी चाहिए, लोअर बैक टाइट होनी चाहिए हमारा। ये अर्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इस चीज को सीखो अभी से ही। रिलैक्स। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, क्लोज ग्रिप। क्लोज ग्रिप एक्सरसाइज हमें इसी पे करनी है। क्लोज ग्रिप ये हमें अपने शोल्डर के भी जितनी वाइड पकड़ती है, और ओवर हैंड ये ग्रिप होनी चाहिए हमारी ओवर हैंड। इसके भी हम 12 या 15 3 सेट लेंगे। मेन हमें पोस्चर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है रेंज ऑफ मोशन के साथ। जो हमारा अर्ज है, चेस्ट को अप होनी चाहिए हमारी। अब उत्कर गोल करके दिखा, देखो ये पोस्चर नहीं होना चाहिए हमारा, हमें इस प्रकार करना है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है हमें पूरा रेंज ऑफ मोशन के साथ पूरी स्ट्रेच। इसके भी हमें 3 सेट करने हैं, 12 रैप या 15 रैप। रिलैक्स। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वन आर्म डंबल रोइंग। अब मैं बताऊंगा किस प्रकार करनी चाहिए। आप लोगों ने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वेट, जो भी हमें वेट लेना है अपनी कैपेसिटी के अनुसार उठाना है, कभी भी ईगो लिफ्ट नहीं करनी है। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। इसमें भी हमें अर्ज, लोअर बैक, चेस्ट अप, 1 2 3, इसके ही हमें 12-12 के 3 सेट लगाने हैं। लेफ्ट से भी 12 और राइट से भी 12, 4 5 6 7। ये देखो ध्यान रखना है कि अर्ज होना चाहिए, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। ये आप देख लो अभी मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो कोई फायदा नहीं है, हमारी लोअर बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, दिक्कत होगी और कोई फायदा नहीं है, मसल्स पे नहीं आएगा। ये अर्ज देखना है हमें, अर्ज होना चाहिए पूरा। डंबल चेंज ऐसे ही दूसरे हाथ से भी 12-12 फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ बॉडी माइंड कनेक्शन। शाबाश, चेस्ट अप, रिलैक्स। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सिटिंग रोइंग स्टार्ट। ये देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, अर्थ इस प्रकार होना चाहिए, गोल नहीं होनी चाहिए। शाबाश,
फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। ये भी हमें 12-12 के 3 सेट करने हैं, पूरा बॉडी माइंड कनेक्शन मसल्स को जोड़ के। रिलैक्स, जिन जिमों में ये मशीन नहीं होती उसको अल्टरनेट भी हमें बता रहा हूँ, आप केबल क्रॉस पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो, किस प्रकार करनी चाहिए। इसमें अपना हाइट के अनुसार अपना देख लो किस प्रकार हमें ये नी पैड होनी चाहिए, चेस्ट अप लोअर बैक टाइट स्टार्ट वन स्लो स्लो, हमें स्पीड नहीं करना और पूरा आगे नहीं जाना, नॉर्मल बस बैक स्ट्रेच करनी है हमें, लोअर बैक पे जोर नहीं आना चाहिए। ये हमारी सिटिंग रोइंग एक्सरसाइज का ऑल्टरनेट है, जो हम जिन मशीनों में सिटिंग रोइंग मशीन नहीं होती वो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। रिलैक्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पुल ओवर, ये भी मैं बताऊंगा किस प्रकार करनी है। इसमें पुल ओवर में हमारी कोहनी सीधी होनी चाहिए और हाथ सीधे, ये नीचे फुल ऊपर हाफ, ये हमारे फुल लेट्स पे काम करेंगी। अगर आप कोहनियों को बेंड कर लेंगे तो ये चेस्ट की एक्सरसाइज हो जाएगी, ये देखो ये चेस्ट पे आएगा, और हाथ को सीधा रखोगे ये देखो पुल ओवर, ये हमारी बैक जो लेट्स है उन पे पूरा स्ट्रेच आ रहा है। इसके भी हमें 15-15 के 3 सेट लगाने हैं। रिलैक्स, अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग, जो बैक की स्ट्रेचिंग होती है किस प्रकार करनी चाहिए हमें, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें एक एक दो दो बार 10-10 सेकंड होल्ड कर करके स्ट्रेचिंग करनी है। रिलैक्स, आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हुआ। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें, और कुछ गलतियाँ हुई हो तो कमेंट में बताएं जिनको हम सुधारेंगे। धन्यवाद।